भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे के मुरीद हुए ऑस्ट्रेलिया के ये दिग्गज खिलाड़ी। तारीफ में कह दी इतनी बड़ी बात कि सब हैरान रह गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड के काबा मैदान में खेला जाएगा और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी ने कप्तान अजिंक्य रहाणे पर बड़ा बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हेडिन ने तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए पहले भेजने की रणनीति को शानदार करार देते हुए भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे की जमकर तारीफ की। ब्रैड हेडिन ने भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मैच में जैसा खेल खेली उससे वे मैच को सिर्फ ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन पंत को लेकर रहाणे की रणनीति शानदार बताई। उन्होंने कहा, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो रहाणे ने पंत को मैच को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था और पंत ने वही काम किया। उन्होंने आगे कहा, पंत ने दिलेर बल्लेबाजी की और कप्तान के तौर पर टिम पेन को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर गलत थे। उन्होंने कहा, कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे ने अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। वह बहुत बहादुर हैं। मुझे लगता है वह लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन फिर भी रहाणे ने एक मौका लिया। इस 43 साल के पूर्व खिलाड़ी ने भारतीय टीम के जुझारूपन और जज्बे की तारीफ की। हेडिन ने आगे कहा, भारतीय टीम ने शानदार जज्बा दिखाया। उनके कई खिलाड़ी चोटिल हुए, वे अपने नियमित कप्तान के बिना हैं। उनके तीन मुख्य तेज गेंदबाज नहीं हैं। जडेजा का अंगूठा भी टूट गया है, फिर भी भारतीय टीम ने शानदार जज्बा दिखाया। ऋषभ पंत को मैच के पांचवें दिन हनुमा विहारी से पहले पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। उन्होंने दबाव की स्थिति में 97 रन की बेहतरीन पारी खेली और वह जब क्रीज पर थे तब भारत की जीतने की उम्मीदें बढ़ गई थी। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे की जमकर तारीफ की, उसे देखकर साफ लगता है कि चौथे टेस्ट मैच में भी अजिंक्य रहाणे शानदार कप्तानी करेंगे और अपनी टीम को जीत दिलाकर टेस्ट सीरीज जीत कर घर लौटेंगे। अब देखना होगा कल के टेस्ट मैच में टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें।